गुलमाल है भाई सब गुलमाल है बेटा क्या हुआ अच्छा अब मुझे ये बताना कर दूं बेटा बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेटा बेटा क्या बेटा अस्सलाम वालेकुम आई एम हिजर चौधरी एंड आई एम ज़रियाब खान तो आज हमारे दादा अबू लोगों को बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारने वाले हैं तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब करके जाना तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट ताकि वो आपने उस दिन मुझे कहा था दिखाऊंगा पर आप जी वालेकुम सलाम जी ये कोट दिया था आपको पिछले मंथ ये जरा हां बिल्कुल बेटा मेरे कमरे में चूक निकल आया ये अल्ट्रेशन थी ना आपके जी अल्ट्रेशन हो गए जी जी हो गए व्हाट अ सैड शॉट आपने मुझे कहा था कि मैं करवा के दूंगा मैंने आपको बताया मेरी शादी है मैं तो दादा को क्या वालेकुम सलाम वेस्टकोट किस कलर के ऊपर पहनी भाई ने व्हाइट सूट के ऊपर ये देखिए प्यारे भैया ये अनरखा स्टाइल में न्यू अराइवल आजकल चल रहा है ये देखें ये दूसरा कलर ये देखिए ये बड़ी प्यारी डिसेंट चीज है ये देखें बेटा बेटा तू मेरे बच्चों जैसा जी क्या हुआ क्या हुआ भाई जान थप्पड़ मारो यार बेटा नहीं यार वो नहीं ऐसे कर सकते किसने थप्पड़ मारा बेटा नहीं नहीं बाबा जी कोरोना तो नहीं हो गया बाबा जी बेटा मेरा अस्थमा ला दे अस्थमा मेरा ला दो ये साइज आपका ये देखे क्या हुआ भाई क्या हुआ है क्या हुआ नहीं यार उसने नहीं मारा यार मैं देख रहा हूँ यार मैं भी डील कर रहा हूँ वो नहीं मार सकता नहीं यार वो नहीं मार सकते यार बाबा जी तुम भी स्टील करो बेटा ये सबसे अच्छा फैब्रिक है जल्दी ले मेरी तेरी दादी बाबा जी माफी दे दो चुप कर जाओ थोड़ी देर वास्ते सर दर्द होने लग गया मेरा बस बाबा जी तो कबर दे भेजो तुम इतने पैनोरमा ले आयो शुगर नहीं लगा रहा ये एक ही कलर है बेटा उनकी दादी वास्ते सूट लेना है देखे ब्लैक कलर आ जाएगा दादी वास्ते कफन लगाओ तुसे सूट लेना है ये देखे क्या हुआ बेटा अभी तो बैठ ही गया मैंने नहीं किया बेटा मेरा सांस बेटा यार अपने कभी उसने नाम कभी मेरे पे नाम नहीं यार आप लगता है नींद पूरी नहीं हुई भाई जान आप कभी उस पर इल्जाम लगा रहे कभी बाबा जी पे लगा रहे बुजुर्ग आदमी है बुजुर्ग आदमी उनका सांस नहीं आ रहा यार वो देखो वो खड़ा नहीं हो सकते सीधे उन्होंने कैसे थप्पड़ मारे नहीं भाई वो नहीं मार सकता हमारे डेली कस्टमर डेली आते हैं वो हमारे पास ओके बस मैं कर देता हूँ एक मिनट मैंने आपको बताया टाइम नहीं है यार कोई बात नहीं बस 5 मिनट वेट कर लो ये देखें इसके बाजू की अल्ट्रेशन तो आई थी हो रही है फिटिंग हुई थी शेप तो यूं ही किए थे वैसे किए आप देखे एक मिनट है क्या हुआ है क्यों थप्पड़ मार रहे हैं मैंने कब थप्पड़ मारा इनको कुछ ना कस्टमर है वो भी कस्टमर आपकी तरह कोई बात नहीं जा रही मैंने थप्पड़ मारा ही कोई बात नहीं कस्टमर है वो ऐसे हरकत नहीं कर सकता हमारे रेगुलर कस्टमर है मेरी बात सुनिए आपकी शादी हुई है मुझे पहले गुस्सा आ रहा है शादी हुई है आपकी मेरी भी नहीं हुई करवा तो मेरी शादी मैंने कब्र में तू देखा सेहरा सुहाना लगता है ये देखिए साइज मेंशन है चेक करें उसके मुताबिक ही मैंने करवाया तुम्हारी शादी दिन देख रहे हैं मैंने उसके बाद पता नहीं मैंने कहाँ जाना तुम्हारी शादी देखने का क्या है मुझे बाबा जी एक मिनट बस वेट कर लें थोड़ा सा वेट कर लें आप प्लीज 5 मिनट हमें दे दें आपके बड़े हैं कोई ख्याल करें उनका शादी करवानी है मैंने करवा दो ये देखें अब देखें अब इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है करवा दो खैर है आपको तमीज है कोई अकल तमीज है क्या हो गया अब क्या कर रहे हो नो हेलो थप्पड़ क्यों मार रहे हो किसे मार रहे हो किसे थप्पड़ मार रहे हो ना मारो यार ये क्या कर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ थप्पड़ मारी जा रहे हैं यहां पे खड़े हुए नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो रेगुलर कस्टमर है वो नहीं ऐसी हरकत कर सकते थप्पड़ मार बेटा आंटी जी ऐसी हरकतें ना मेरे साथ करो तमीज से बात कर रहा हूं ये देखिए साइज मेंशन है लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई मैंने साइज आपको पूरा करके दिया ये बेटा जल्दी कर लो मैं बोलने लगा हूं बेटा यार इसको धक्का दे ही बाबा जी को चुप हो जाओ सिगरेट पिलाओ बाबा जी को सिगरेट नहीं पीते चर्च वाला पीते अगर पीते हैं तो अल्लाह अकबर बाबा जी एक टांग आपकी कब्र में है इधर आओ
बेटा क्या हुआ इधर आओ क्या हुआ हो जाएगा अभी ये देखो फिर ये चीज आ गई इसमें सारी और कलर मिल जाएगा बेटा बेटा क्या हुआ यार उसने नहीं मारा यार आपके लगता है यार आप हमारे कस्टमर खराब कर रहे हो यार बेटा ये चीज देख इसमें मैं आपका साइज निकाल के देता हूँ सारा तू ही देगा मैंने मैं नाई थोड़ी जो इसकी कटिंग करूँ मैंने जैसे टेलर हूँ यार एक मिनट यार ये क्या है यार मैं आंटी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कस्टमर है कैसे ठीक है क्या हुआ क्या हुआ क्या यार मैं आपको अपना काम करवाने के लिए देके गया हूँ आप जो आंटी में आ जाओ आंटी को मेरे मुंह लगवाई जा रहे हो नहीं वो आपके मुंह नहीं लग रही आपके साइड पे है ना करें प्लीज वेट करें आप वेट करें अच्छा अब मुझे ये बताएं मैं पैक कर दूं बेटा बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कुछ कहा तो यार आपको या वो पागल है या वो आपको मार रही मैं मारूंगा तो ये छिरेंगी नहीं नहीं आप जाओ यार यहाँ से आप प्लीज जाओ यहाँ से प्लीज जाओ यहाँ से यार ठीक है कोई बात नहीं आप जाओ यार ऐसे मुझे बात ऐसे बात में कस्टमर नहीं चाहिए आप जाओ यहाँ पे मेरा ऑर्डर में मेरी शॉप का माहौल खराब ना करो हाँ जी दफा दो यार जाओ बेटा मुझे लेके जाओ मेरा बांजा कहाँ गया बेटा थोड़ी तमीज सिखाए कितना बदतमीज है वो क्या हुआ उसने क्या थप्पड़ मारा कब से खड़ा हुआ यहाँ पे अल्लाह माफी वो अपनी दादी को भी ऐसे मारता था थप्पड़ थोड़ी तमीज सिखाए इसे जैसे बड़े होंगे उस तरह के छोटे होंगे ना जितने उसके हाथ चलते हैं उससे ज्यादा उसकी मुझे लेके घर कौन लेके जाएगा चलो अब इसका कुछ करें कुछ भी नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हो सकता जो होना था मैंने कर दिया आपको आपको तमीज नहीं है क्या हुआ बेटा बेटा कैसे लगे हुए बेटा मैं गया सफेद बालों कोई लिहाज नहीं है बेटा तुम मेरे बच्चों जैसी हो शादी करवाऊंगा तुमसे बेटा क्या बुजुर्ग है बुजुर्ग क्या बुजुर्ग है बुजुर्ग है नहीं बुजुर्ग है वो रखो गिर गया कोई बात नहीं बेटा वो बुजुर्ग है ना करें क्यों मार रहे हो उनको उन्होंने क्या किया बातें सुनी कैसी हैं वो बुजुर्ग ऐसे वो हिल जाते हैं ना सानी आ रहा मेरी दादी ने बुला अपनी दादी ने बुला मुंह वहां अपना कितने गया मेरा मुंडा सीधा ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੀਦਾ ਮੀ ਦੇਖ ਲ ਗਿਆ ਆ ਜੇਤੀ ਬੁਲਾ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਸੇ ਕਬਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਾਨ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੋ ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ੀਦੇ ਆ क्या हुआ यार छोड़ यार ये देखें बदतमीजी कर रहे हैं नहीं बदतमीजी नहीं कर सकते आप बुजुर्ग आदमी है यार क्या हो गया आपको भाईजान घर से लड़के तो कितने आए मेरे दादा को मार रहे यार तुम इल्जाम लगाई जा रहे दोनों पे यार क्या हो गया मार मैंने बाबा जी हम बेटा एक प्रैंक शूट कर रहे थे बेटा दादाबू क्या हो गया बेटा प्रैंक शूट कर रहे थे मारी जा रही क्या क्यों मारा थप्पड़ मार रहे हैं दादाबू की जूती संगाओ उनका सांस बाबा जी बात कर रहे हैं बात कर रहे प्रैंक शूट कर रहे हैं बता बेटा कैमरा लगाया बेटा हमने प्रैंक शूट कर रहे हैं ये हमारे साथ मिले वो उधर वो उसके पीछे बेटा नजर आया होगा आपको वो ब्लिंक हो रहा बेटा ये वो नजर आया आपको कैमरा बेटा अब आपकी वीडियो यूज कर ले मैं बुरा नहीं हूँ बेटा बुरा नहीं है ये जान के बना हुआ कुछ भी ऐसा नहीं है ये हमारे साथ मिले प्लीज परमिशन देने वीडियो यूज करने की मैं किसी जिससे भी करवाता हूँ मना नहीं करवाता स्माइल करियो मैं बुरा नहीं इतनी देखो आपके लिए मेहनत की जतन की है गाय का गोबर सर पे लगाया था मैंने कर ले पक्की बात है बेटा सामने हमने कैमरा लगाया ये कैमरा क्या कैमरा लगाया हमारे कैमरा बेटा हमारे दादा ये हमारे दादाबू जवान दादाबू है ये देखो